हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से। जो इस मैच में वीडियो करने कवर करने जा रहे हैं सब्सक्राइबर से कहने पे, वो होने वाला है अफ्रीका वुमेन और श्रीलंका वुमेन की वीडियो। और बाकी मैंने किस किस मैच की वीडियो डाल से मैंने इस मैच की वीडियो डाल दी है ऑकलैंड और टागो की। इसकी मैं टेलीग्राम पर डायरेक्ट टीम दूंगा, वीडियो नहीं आएगी इसकी। मैं ये वाली वीडियो पर कवर कर रहा हूँ, इसकी आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट मिलेगी, टेलीग्राम पर डायरेक्ट मिलेगी इसकी भी। इसकी मैंने वीडियो डाल दी, फटाफट जाके देख लो। और इसकी मैं नहीं डालूंगा वीडियो क्योंकि पिछले मैच में इसकी लाइनअप ही नहीं आई थी, तो भले ही मैं टेलीग्राम पर इसकी फाइनल में टीम दे दूंगा, टेलीग्राम पर डायरेक्ट इसकी टीम मिल जाएगी। हाँ, बात करें इसका लाइनअप अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ नहीं है, तो उनके चेंज हो जाते हैं काफ़ी, तो इसको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर ही मिलेगी। इसकी मैंने वीडियो डाल दी है अफ्रीका वाली की, तो फटाफट जाके देख सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए, तो बहुत सारे चैनल हैं जो ड्रीम इलेवन टीम प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं, तो ये मेरी ड्रीम इलेवन प्रोफाइल है जहाँ सिर्फ मैं ग्रैंड लीग खेलता हूँ ड्रीम इलेवन में। तो 52 पोस्ट वही है जिसमें 3-4 महीने की, जिसमें मेरी ग्रैंड लीग में रैंक बिलो 100 आई है। तो फटाफट जब मेरी ड्रीम इलेवन प्रोफाइल पर क्लिक करोगे 52 पोस्ट पर जाकर देख लेना। 1 फरवरी को हमने जीएल विन करी, हॉल ऑफ फेम में जाकर नाम भी चेक कर सकते हो 5 लाख वाले पूल पर, जो 1 फरवरी को मैच हुआ था ये। और ये भी देख सकते हो हमने, मतलब मैंने वही पोस्ट डाली जिसमें हमारी बिलो 100 रैंक आई, और एक महीने पहले मैंने जीएल भी विन की थी, फटाफट जाके देख लो 50,000 वाली। तो ये वाला मैच था। फटाफट आते हैं सीधा मुद्दे पे, नए सब्सक्राइबर्स को बताने के लिए जो हमारे चैनल पे नए आते हैं, फटाफट आते हैं मुद्दे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे नया तो आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर, जिसमें 6300 प्लस सब्सक्राइबर्स है, मतलब 6.3K जो लिखा हुआ है ऊपर। बस इसी चैनल को ज्वाइन करना, ड्रीम इलेवन डॉक्टर के नाम से फेक चैनल खुले हुए हैं, आपको सिर्फ ये वाला चैनल ज्वाइन करना है जिसमें 6.3K सब्सक्राइबर्स, 6.3K मतलब 6300 वाले प्लस सब्सक्राइबर्स, उसी के जाकर चैनल को ज्वाइन करना है फटाफट जाके। तो अब आते हैं सीधा मुद्दे पे, और हमने कल का काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रहा है, देख लेना आप यहाँ पे कुछ। तो आपको ये चैनल जाके ज्वाइन करना है, फॉलो करना है बिल्कुल, यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है आपकी विनिंग्स वगैरह में, कुछ दिन फॉलो करके देखो। बाकी आते हैं सीधा मुद्दे, तो फटाफट आते हैं टीम बनाने पे। तो मैंने शायद बनाई भी यहाँ पे सेव कर रखी है मैंने फटाफट बना के, मेरे को लग रहा है कि क्रिएट की दिक्कत आने वाली है नहीं, तो फटाफट टीम मैंने बना रखी है यहाँ पे। एक एक प्लेयर के बारे में मैंने बता दिया है कौन कौन से काफ़ी अच्छा होगा, तो देखते हैं वीडियो में एक प्लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं अब। तो इसको निकालो 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 निकालो, यहाँ पे बताती है मुद्दे की। तो यहाँ बात करें, हम आते हैं लीजल ली के दोनों तीन सारे विकेट कीपर में सबसे अच्छे विकेट कीपर बोलूँ तो, अगर त्रिशा चेट्टी को अगर विकेट कीपर ऐसा नहीं खिलाते पर विकेट कीपर ली करते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं ली, भले ही विकेट कीपर हो या ना हो, क्योंकि सबसे बेस्ट विकेट कीपर और बैट्समैन विकेट कीपर में यही है लीजल ली, जो सेंचुरी मारने तक की एकलौती बैट्समैन इनमें जो सेंचुरी मार सकती है, और काफ़ी पावरफुल हिटर है, इसमें काफ़ी पावर है, काफ़ी क्लियर छक्के मारती है ये। और यहाँ बात करें हम दिलारा मनोहरा की, तो बात करें तो ये थोड़ा मतलब अब श्रीलंका की बैटिंग कल आप देखोगे ना तो सारे ही बहुत स्लो खेलने वाले प्लेयर है, या तो ऐसा होगा उनका 20 बॉल पर 10 रन, ऐसे बहुत स्लो खेलते हैं ये, बस इनके एक दो प्लेयर है जो थोड़ा तेज़ अच्छा खेलती हैं, बाकी बताता हूँ उनके बारे में आके। तो मैं विकेट कीपर में लीजल ली को लेके जाऊँगा, वीरा कोड्डी भी कोई अच्छी है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ अभी स्मॉल लीग में अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपने विकेट कीपर को यहाँ से कोई प्रेफर करना नहीं है। अनुष्का संजीवानी थोड़ा अच्छा खेल लेती है इनमें से, किसका रिसेंट में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है, मैंने फॉलो करा है तो काफ़ी अच्छा खेली है इन सब में मुकाबले में, सबसे अच्छी खेली है अनुष्का संजीवानी, फिर के लिए दिलानी मनोद्रा, फिर है पी वी रकुड्डी, त्रिशा चेट्टी अभी हमने अभी न्यूजीलैंड सीरीज हुई थी उसमें भी देखा था मैंने विकेट कीपर ये करी थी, बट सिर्फ विकेट कीपर के अलावा कोई काम नहीं था, उसकी बैटिंग तो आ नहीं रही थी, तो ये विकेट कीपर में आपको स्टंपिंग और कैचिंग के ही पॉइंट दे रही थी, बट हमें लीजल ली का काफ़ी अच्छा चॉइस है, तो स्मॉल लीग में जरूर लेके जाना है हमें लीजल ली को प्लस ग्रैंड लीग में भी। या बात करें मिग्रेन डुप्रीस को आप टीम में ले सकते हो, बट अगर अफ्रीका की बैटिंग सेकंड होती है इसको टीम में लेने का फायदा नहीं, क्योंकि उसका बैटिंग ऑर्डर सेकंड या थर्ड डाउन होगा, तो शायद इसकी बैटिंग ना आए तो वेस्ट हो जाएगी। अगर पहले बैटिंग करते इसकी टीम में जरूर लेना, क्योंकि सबसे अच्छी प्लेयर ये इसका ये खेलती है ए बी डिविलियर्स की तरह, रन बॉल से ज़्यादा मतलब 80 बॉल खेलेगी 100 रन मारेगी, तो तेज खेलती है और विकेट भी नहीं देती, काफ़ी अच्छी प्लेयर है मिग्रेन डुप्रीस, काफ़ी अच्छी बैट्समैन है अफ्रीका की, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। और मैं तो अभी रिसेंट में 2-3 बैट्समैन के नाम लूँगा श्रीलंका के जो सबसे बेस्ट है, एक है चमारी अट्टापट्टू, दूसरे शशिकला श्रीवर्धने और तीसरी है एच माधवी। अभी अफ्रीका अब जब ऑस्ट्रेलिया गई थी तो वहाँ पे आपने देखा भी होगा चमारी अट्टापट्टू ने श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी भी मारी थी T20 में सेंचुरी, जिस मैच में एलिस हिली ने भी सेंचुरी मारी थी, उसकी सेकंड इनिंग में इसने भी सेंचुरी मारी थी, अकेले दम पे जिताया था बंदी ने यार, मतलब इतनी बढ़िया बैट्समैन है, मतलब इनकी टीम देखोगे ना इस पूरी टीम में यही परफॉर्म करते हुए दिखती है, सेकंड नंबर पे शशिकला श्रीवर्धन, ये दोनों ही परफॉर्म करते हुए दिखते हैं टीम से, बाकी तीसरे नंबर पे थोड़ी बैटिंग ये कर लेते रही एच माधवी, अच्छी क्लास खेलती है, तो तीन ही इनके अच्छे बैट्समैन है जहाँ बताऊँ मैं आपको बैटिंग में, तो इनको प्रेफर करना। चौथी बताऊँ नीलाक्षी डिसिल्वा, जो काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, लास्ट में आके तेज़ मार लेती है, ये 20 बॉल पर 35-40 रन मारने की कैपेबिलिटी रखती है, तो इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना नीलाक्षी डिसिल्वा को, बहुत अच्छी प्लेयर है। यहाँ बात करें अम्मा कंचना की, जो समझ नहीं आ रहे बॉल राउंड, ये बॉलिंग में बहुत करती थी, पहले बॉलिंग करती थी और बैटिंग करती थी,
बट इसको यहाँ दिया हुआ है तो मुझे लगता नहीं 71% क्यों लिया सोच के, सिर्फ बॉलिंग पता नहीं होगा लोगों को क्योंकि उन्होंने देखा होगा 8.5 में ऊपर नाम है तो इसलिए ले लिया, बट इंपॉर्टेंट नहीं इतनी मार लिया, हमारे पास और अच्छे ऑप्शन है, बॉलिंग कर लेती है अमा कंचना और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती है। यहाँ बात करें एच पर है रहा, हसीनी परेरा की बात करें, हसीनी परेरा ही ने हाँ तो इसकी बात करें ये भी स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले अच्छी नहीं है, कभी रिसेंट में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है ना, मैं इसको ज़्यादा ग्रैंड लीग में प्रेफर करने को बोलूँगा क्योंकि मेरे पास अच्छे ऑप्शन है एच माधवी और एन डिसलवा जैसे इनके ऊपर। यहाँ बात कर ग्रैंड लीग में एन डिसलवा जरूर ट्राई करना। यहाँ बात कर सुनील उसको जा रहा हूँ क्योंकि अफ्रीका के अगेंस्ट जो लास्ट ODD मैच हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अफ्रीका का, उसमें इसने 6 विकेट ली थी और जो भी रिसेंट T20 मैच हुआ था उसमें भी इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 2-2 विकेट लेके जा रही थी प्लस फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आ रही थी। अगर काप खेलती है T20 में काप को फर्स्ट राउंड बैटिंग करने भेज रहे फिर इसको बहुत नीचे बैटिंग करने भेज रहे, बट फिर भी 2-3 ओवर डाल ही रही है मिनिमम, तो अपनी टीम में जरूर ले लेना, बैटिंग या बॉलिंग दोनों से काफ़ी अच्छे पॉइंट देने वाली है। अगर काप नहीं खेलती तो फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आपको सुन लूस आते हुए दिखेगी अफ्रीका की टीम से, तभी से कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में कर सकते हो अगर ये काप नहीं खेलती, पर काप बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनकी टीम की, निकक काप और सुनलूस, तो काप और निकर को मैं जरूर लेके जाऊंगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शर्लट ट्रेन को ग्रैंड लीग की एक टीम में जरूर बनकर ट्राई करना क्योंकि इसको बस ऐसे प्लेयर है, क्लीन पावर हिटर है लीग की तरह ये, इसको सिर्फ 15 बॉलें चाहिए हाफ सेंचुरी मारने के लिए, इतनी पावरफुल हिटर है ये। और अभी रिसेंट में इसने जब न्यूजीलैंड का मैच हुआ था उसमें एक मैच में इसने हिटिंग की थी, 3 छक्के मारे, 16 बॉल पर कुछ 34 रन मारे थे, इसी की बदौलत जीती थी, तो एक बहुत अच्छी हिटर है चलो ट्रेंड प्लस पार्ट टाइम 2-3 ओवर डालते देख सकते हैं, इसको ऑलराउंडर में रहना चाहिए पर इसको यहाँ दिया हुआ है, तो इसको जरूर ट्राई करना अपनी टीम में ग्रैंड लीग की एक टीम में उठा के चलो ट्रेन को। यहाँ बात करें हंसिमा करुणा रत्न, ये मतलब वही है कि थोड़ा रुक के खेल लेती है बट इसके वही होता है और 25 बॉलों पे 15 रन, ऐसे बहुत बॉलें ज़्यादा होंगी और 10 रन कम होंगे, फिर बात वही है ना 15 रन मारेगी फिर स्ट्राइक रेट ड्रीम इलेवन स्ट्राइक रेट के पॉइंट कम हो जाते हैं, तो स्ट्राइक रेट की वजह से फिर इसके जितने मारेगी 15 रन उसके 3-4 पॉइंट काट लेंगे, बात आ गई वहीं घूम फिर के, तो फिर फायदा नहीं है ऐसे प्लेयर को लेने का खासकर स्मॉल लीग में। यहाँ पर लॉरा वर्ल्ड वार्ड को जरूर लेके जाना, ओपन करने वाली अफ्रीका, फर्स्ट बैटिंग करे सेकंड बैटिंग करे, इसकी बैटिंग आनी ही आनी है और काफ़ी रुक के खेलती है, जल्दी विकेट नहीं देने वाली प्लेयर है ये और इसका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड भी है स्पिनर्स वगैरह का अगेंस्ट और काफ़ी अच्छे रुक के खेलती है, इसको अपनी टीम में जरूर लेना है। तो बताता हूँ मैं यहाँ पे कविशा दिलहारी को अपनी ग्रैंड लीग की एक टीम में ट्राई कर सकती हो, बट मेरे पे 4 अच्छे ऑप्शन है अगर ये मैं बता रहा हूँ, अगर काप नहीं खेलती तो यहाँ आप चाहो तो कविशा दिलहारी को कर सकते हो काप की जगह ट्राई, अगर काप नहीं खेलती तो मैं तब की बात बता रहा हूँ, बाकी ये चारों खेलते तो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रैंड लीग को स्मॉल लीग को। युतिमानशी को इंपॉर्टेंट मत मानो, नायस को मारो, संदीपानी को, नदी क्लर्क को ट्राई कर सकते हो, जब इंडिया आई थी इस सुन लो सर इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था इंडिया के अगेंस्ट, ये 2-3 ओवर डालते हैं आपको दिख जाएगी नदीना दिक्लक, प्लस आपको फर्स्ट डाउन अगर लूज भी नहीं खिलाते तो ये फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए आई थी अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बट अगर सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर खेलते फिर इसकी बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे हो जाएगा, फिर इंपॉर्टेंस इसकी टीम में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, तो ऐसा कुछ कर सकते हो अपनी टीम में चेंज वगैरह, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो एक आई टीम में, अगर कुछ अगर ना सुनलूस को खिलाती है अफ्रीका ना फिर काप को खिलाती है तब इसको अपनी टीम में लेने का कुछ फ़ायदा है ग्रैंड लीग में। यहाँ बात करें शबनम इस्माइल को जरूर लेके जाऊंगा, लीडिंग विकेट टेकर अपनी टीम की। यहाँ बात करें तो दिशिका प्रबोधानी को, ये प्रबोधानी और ओराना सिंह है जो दो प्लेयर हैं, ये ओराना सिंह है और प्रबोधानी, ये बॉलिंग भी अच्छी कर लेती है बैटिंग भी अच्छी कर लेती है, तो इन दोनों का यही फ़ायदा है कि दोनों बैटिंग करना भी जानती हैं, तो इसको अपनी टीम में इसलिए ले रहा हूँ कि हमारे पे क्रेडिट कम है और आप प्रबोधानी को अपनी टीम में ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। यहाँ बात करें इनोका रन्ना वीरा को, भले क्रेडिट जाता पर बैटिंग नहीं करना जानती अच्छी और ये लेफ्ट आर्म बॉलर है लिखा होगा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, हाँ तो अपनी टीम में ग्रैंड लीग में भी ट्राई नहीं ज़्यादा मत करना क्योंकि मेरे को अफ्रीका की टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है। तो यहाँ पे बात करूँ मैं अच्छी निकुल्ला सूर्या की, तो ये आपको ग्रैंड लीग में थोड़ा सरप्राइज कर सकती है, मैंने इसको रिसेंट में बहुत देखा है कि अचानक से 1-2 मैच में नहीं खेलती फिर अचानक से आती है तो 1-2 विकेट निकाल के चले जाती है, इसको ग्रैंड लीग की जिम में जरूर ट्राई कर लेना अच्छी निकुल्ला सूर्या का। सुगंधा कुमार ये भी स्पिनर है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तो यहाँ बात करें सुगंधा कुमारी ये भी आपको मैं प्रेफर नहीं करूँगा ज़्यादा, बट मैंने अच्छी निकुल्ला सूर्या को मैंने रिसेंट में काफ़ी सरप्राइजिंगली विकेट निकालते हुए देखा 1-2 मैच में, तो आप इसको चाहे तो ले सकते हो भी ग्रैंड लीग की टीम में एक टीम में ट्राई कर लेना, कि ग्रैंड लीग भी 2 तरह की टीम बनती है सेफ और रिस्की। सेफ में होता है कि आप चाहते हो कि आपकी एंट्री फीस वापस आ जाए और रिस्की बनती है कि जहाँ चाहते हो कि आपकी एंट्री फीस ना आए आए तो बड़ा अमाउंट आए, तो ऐसी वाली टीम में ट्राई करते हो जहाँ आप चाहते हो कि एंट्री फीस ना आए आए तो बड़ा अमाउंट है, तो ऐसी टीम में ट्राई करते हैं। यहाँ बात करो ऐब होंगे खाखों को लेकर जाओ और राणा सिंह को लेकर जाऊँगा कि अपने पूरे ओवर डालेगी प्लस बैटिंग करते हुए दिख जाएगी, काफ़ी अच्छे रन मारती है एज अ बॉलर भी काफ़ी अच्छे रन मारती है, इसको ऑलराउंडर में देना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ बात करें आया बोंगा खाका की, तो ये शबनम इस्माइल से ज़्यादा विकेट लेके गई है रिसेंट टाइम में, तो इसको अपनी टीम में जरूर लेके जाना है, और आपको क्या कहते हैं
अब न्यूजीलैंड सीरीज अपने पूरी फॉलो करेगी, वनडे या T20 हो गए तो सबसे ज़्यादा विकेट निकालते हैं, अफ्रीका की टीम से नहीं निकाले होंगे, हर मैच में विकेट निकाल के जा रही थी ये एबोंगा खाका, तो इसको नहीं छोड़ना स्मॉलिंग में ना ग्रैंडलिंग में। बात करें आप क्लास को इतना इंपॉर्टेंस दूंगा नहीं मैं अभी, हाँ बट अगर अफ्रीका पहले बॉलिंग करते हैं क्लास वगैरह खेलते हैं टीम में ट्राई कर सकते हो। तुम्हें शिखुन्ने भी एक T20 की स्पेशल प्लेयर है, इसको T20 में ज़्यादा खिलाते हैं, बाकी है नहीं शेंगसे मलाबा, तो बाकी ये मैं बहुत मौलिक की हमारी टीम रहेगी, कैप्टन रहूँगा मैं नेंदन डैनवेन निकर का। यहाँ बात करें हम वाइस कैप्टन रख लेंगे हम।